पानी बटे चल बंद कर। भावना जी गुड इवनिंग। हेलो, मेरी वॉइस आ रही भावना? भावना मेरी वॉइस आ रही है? हेलो जी, सर ये वॉइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मैं समझा वॉइस नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा। नहीं आ रही है सर आपकी, क्लियर है। क्लियर है, एक कॉल और। ठीक हो आप ना? जी सर। सर वो वाला पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा जो टेस्ट लिया था। जी भावना जी, क्या कह रही हैं बताइएगा। सर जो टीचमेंट पे ऑनलाइन टेस्ट लिया था वो वाला पीडीएफ नहीं थे। जी ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेनू जी, ठीक है? हाँ सर, और अपना बताइए। बस ठीक है। देखो इस समय केवल 4 लोग हम आपको दिखाएं, ये मतलब इतना अनाउंस करने के बाद भी हमें लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी भी पैदा नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4 देख रहे हो? यस सर। अभी भी मतलब जैसे हमने अनाउंस जबकि दिन में ही कर दिया था कि लोग आ जाना, लेकिन हमें लगता है कि लोगों का रुझान जो है वो बैटरी डाउन हो गई। हाँ सर, सही बोल रहे हैं। डीएक्टिवेट हो गए सर। डीएक्टिवेट क्या हो गए हैं? एक्चुअली मैं एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ गया इसलिए डीएक्टिवेट हो गए। हम लोग का भी वही हाल है सर। कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है, अगर आप कंटिन्यूटी थोड़ा सा बनाए रखेंगे, अपने आप को पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, पेपर गुड इवनिंग पेपर सॉल्व करते रहेंगे, तो मालूम क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी। नेहा नेहा हमसे आप उस पर जुड़ी हैं, अरोमा ऐप पर जुड़ी हैं नहीं नेहा? यस सर, एक्चुअली सर वो ऐप तो मैंने डाउनलोड कर लिया, उससे क्लासेस का कुछ पता नहीं चल रहा है सर मुझे। नहीं नहीं अभी ऐसे नहीं पता लग पाएगा आपको। सीमा गुड इवनिंग सर। टेस्ट जो है लगाते रहिए। माइक ऑफ करिए रेनू, माइक ऑफ करिए। सीमा यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सीमा, क्या हालचाल है? ठीक है सर। ठंड कैसी हो रही है? ठंड सही हो रही है? नहीं तो सर बहुत पड़ रही, सर्दी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे सर्दी की वजह से लोग जम गए हैं, टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है।
ना चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आपसे थोड़ी थोड़ी बातें कर ले फिर एक पे। बोलिए। जी सर, हाँ एक्चुअली वो उसके वो जो केबीएस की पीबीएस के लिए कोई बुक आती है ये पूछना था सर। हाँ बहुत सी किताबें आती है, अरिहंत की आती है, कॉमन केबीएस प्रीवियस ईयर भी आती है, लेकिन आपको ये सब किताबें जो है वो प्रीवियस ईयर के एक्चुअल क्वेश्चन नहीं देती, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं देती। ये मिल जाएंगे ओके मार्केट में अवेलेबल है। ठीक सर। है ओके सर। सर एसटीडी सर तो ऑनलाइन है ना? केबीएस फिर से करिए। जी, ने एक एक करके जो बोलिए। केबीएस की टेस्ट सीरीज, केबीएस की जो टेस्ट सीरीज है सर उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो होंगे ही। हाँ उसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि 20 तारीख तक पढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में करीब करीब 6 सेट आ चुके हैं, 4 सेट मुझे और मंगाने, टोटल 10 सेट डाल दिए। ओके सर, तो उन प्रीवियस ईयर पे कवर हो जाएंगे वो सारे सेट से वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल में। बस बिल्कुल कवर हो जाएगा। ओके ठीक सर, है, ठीक। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। प्रिंसिपाल जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, का हाल वाह भैया, बढ़िया हाँ ठीक है सर। बढ़िया है। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जिंदा है। सुमित, सुमित हाउ आर यू? जी सर, गुड इवनिंग सर। ठंड शाहजहांपुर में ठंड कैसी हो रही है? सर बहुत अच्छी हो रही है सर। अब लेकिन सर बारिश शुरू हो गई आज से है सर, थोड़ी थोड़ी। अरे इसका मतलब है कि यहाँ भी बारिश 2 1 दिन में हो जाएगी, फिर जी वहां सर, से ही ठंड ठंड उधर से ही इधर आती है। चलिए सुमित, जी हम तो ये सर, चाह रहे हैं आप हमसे लगातार जुड़े रहें और सिलेक्शन तक पहुंचे, उसके बाद ही हटे, उससे पहले ना हटे, ये मैं चाहता हूं। बिल्कुल 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 सर। जी सर, जी सर, चलिए आज कुछ क्वेश्चन है मेरे सामने, आपको समय दिया है, चूंकि 9 बजे से मेरा केवीएस का बैच जो चल रहा है वो रहता है, तो मैंने आपको 8 से 9 समय दिया, समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक सैंपल पेपर मैं शुरुआत में मैंने आपको कराया था, वो सैंपल पेपर मैं पूरा करा रहा हूँ आज, ठीक है? कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसके, ये मैंने 50 तक कराए थे, उसके बाद शायद आपको ये पेपर पता नहीं दिया था या नहीं दिया था, मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर सुमित देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सुमित, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है बताइएगा, पढ़िए और बताइए। वैसे ऐप पर अगर आप लोगों को मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट के थ्रू लाना चाह रहा हूँ तो आपकी तो कंटिन्यू इसका बी क्लास हो। ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन इसका देखिए इसमें क्या, रुक जाइए रुक जाइए, इसमें कहीं सी ऑप्शन रुक इसका। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। एक्चुअल में ये मैंने जो पेपर बनाया था उसमें से पेपर सॉल्व करवा के डॉट रख दिया गया, तो डॉट को आप ना देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको सही लगेगा। जी क्वेश्चन नंबर 55 जरा देख के बताइए क्या कह रहा है, अब बताइए थर्ड ऑप्शन कैसे थर्ड होगा ये बताएं, समझाने की कोशिश करिए। सर, निकल का इलेक्ट्रॉनिक तब बी कॉन्फिगरेशन आएगा, थ्री डी एट पांच और सर निकल का इलेक्ट्रॉनिक सी आएगा, कॉन्फिगरेशन सी। 3D8 4S2 होता है, 3D8 4S2। अब सर टू 4S2 Ni2+ है तो S2 के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 3D8 रह जाएगा, और 8 से फिलिंग करेंगे तो 2 एम्पेयर रह जाएंगे। दो अनपेट रह जाएंगे। हाँ ठीक यही आएगा। चलिए सुमित देखिए, मैं ये चाहता हूं अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से जी सुन सर, रहे हैं, समझिए सुमित जी समझिए, जितने लोग मेरे लाइन पे आए हुए हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है, सभी से मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको मैं कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दे करके किसी ना किसी तरीके से अगर ऐप में अपने ऐड कर लूं, तो मेरी कंटिन्यूअस 9 बजे से क्लास चलती है और उसमें जी क्वेश्चंस सर, जी प्रॉपर सर, हैं। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर हमारी आवाज ओवरलैप करती है, शोर भी बीच बीच में 4 लोग बोल जाते हैं, लेकिन वहां 2 4 लोग नहीं बोलेंगे, वहां चैटिंग से भी हम पढ़ा लेते हैं, और हमें बड़ा मतलब उसमें ये रहता है, जैसे हमने पूछा ये क्वेश्चन मैंने दिया तो आप चैट करके बता सकते हैं, 56 का सर आंसर ये हुआ, तो वहां डिस्टर्बेंस नहीं आता, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन कर रखी है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वैसे देखिए मेरी कोई बहुत बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं किसी कंडीशन में आपको जोड़ लेना चाह रहा हूँ उस बैच से, चाहे भावना हो, चाहे नेहा हो, चाहे कोई भी हो इनमें से जितने लोग हैं। रश्मि शायद जुड़ भी गई है, रश्मि आज जुड़ी है जहाँ तक मुझे याद है, तो
तो इसमें से अगर आप लोग किसी कंडीशन से जुड़ सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि जोड़ देता हूँ उसमें, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ ये है कि चलता रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, टूटेगी नहीं कंटिन्यूटी आपकी। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, आप जुड़े हैं तो हमसे जुड़े रहना, है ना सर? बिल्कुल, मैं जुड़ना चाहता हूँ सर, बस सर बस थोड़ी। हाँ जी सर, मैं कोई ना कोई मेथड निकालता हूँ जिससे मैं आपको उसमें लेकर के जाऊँ, जिससे मैं डेली आपके टच में रहूँ, पर डे आपके टच में रहूँ, ये चीज है, ठीक है ना? चलिए सर, जैसे कोई ना कोई ऑप्शन निकालूंगा। मीन्स मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपसे बहुत बड़ा कोई मतलब पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट इधर उधर एडजस्ट करके मैं आपको उसमें जोड़ू, मैं ये चाह रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है? कुछ ना कुछ करता हूँ, कोई ना कोई व्यवस्था निकालता हूँ, ऑप्शन निकालता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर। देखिए 56 वाला है कि 56 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? बी एमीन्स आर मोर बेसिक देन एमाइड्स, ऐसा क्यों है, बस ये बताइए ऐसा है क्यों, बोलो। सर क्योंकि इसमें अमाइड में क्या होगा कि CH3 डबल बॉन्ड हो, NH2 जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। बट इन केस ऑफ अमीन तो CH3 NH2 है, तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 तो ये उसकी इंक्रीज करेगा NH2 की, मतलब अवेलेबल रहेंगे लोन पेयर। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक। चलिए अब 57 बताइएगा, 57 सर 2 होगा, कैसे होगा 2? 7 का 2 होगा सर। समझाइए थोड़ा सा, 7 का 2 मान लिया आपका, समझाइए थोड़ा सा सर। ये थर्मो प्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं तो सर वो जो जो उनका एक्चुअल शेप जो होता है वो रिगेन कर लेते हैं कूलिंग या हीटिंग पे, और बाकी सर थर्मो सेटिंग जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं, उनको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मींस दे कैन नॉट बी री, है ना, मतलब उन्हें बोल सकते हैं कि रिगेन देयर शेप, ओरिजिनल प्रॉपर्टी अपनी रिगेन नहीं कर पाते। जी सर, जी ठीक है। बताइए बी नंबर 58 बताइए सर। ये SR और स्टायरीन, ठीक है सर। इसको ना देखिएगा, डॉट देखिएगा नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा, डॉट ना देखिएगा, नहीं आप डॉट देखने लगे। सर 3 बीटाडाइन ली जाती है इसमें और 1 पार्ट स्टायरीन। 59 बोलिएगा, 59 ए, 59 का ए, यस सर। चलिए आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज यूज इज द बेसिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक, ठीक है बिल्कुल सही है। 60 पे आइए सर, निनहाइड्रिन सर, पर सर निनहाइड्रिन सर, द अमीनो एसिड में भी आइडेंटिफाइड बाय हार्टिन निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक, वेरी गुड। चलिए अकम 61 बताइए, सुमित बताओ 61 सर, ये निकालना पड़ेगा सर, दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, बताऊं? चलो मैं बताता हूँ, बाकी लोग निकालो, मैं साइड में इसे करके निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है, C2H4O2 दे रखा है ना, तो इसका इंपेरिकल, तो चौथा ऑप्शन आएगा क्या सर? 3 आएगा ना, इसकी वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, C6H12O3। चार प्लस 16 हो गया, तो 12 दूनी 24 और 4 28 और 16, ये आपका कितना हो गया? 32 हो गया, डिवाइडेड बाय 44 हो गया, 4 3 तो ये हो गया 3 × C2H4O, मतलब हो गया C6H12O3।
ठीक है चलिए ठीक वेरी गुड 63 बताइए फिनाइल एसिटाइलाइड फ्रीडल क्राफ्ट ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यस सर ए ऑप्शन ठीक सही है क्वेश्चन 2010 का पेपर है ये 2010 का पेपर है ये सही के केवीएस का नहीं ये आपके यूपी पीजीटी 2010 का पेपर है सर केवीएस का ऑनलाइन होता है क्या केवीएस का अब अभी अभी ऑफलाइन ही चल रहा है अब इस साल से देखते हैं क्या चेंज करें अभी ऑफलाइन ही चल रहा है मुझे लगा शायद नोटिफिकेशन है शायद ऑनलाइन है नहीं तो अब इस साल से चेंज हो सकता है पिछली बार से नहीं था पिछली बार तक तो वही था मैंने नोटिफिकेशन अभी ध्यान नहीं दिया लेकिन उम्मीद है कि अभी ऑफलाइन वो प्रीवियस ईयर पेपर पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर मिलेंगे मिलेंगे केवीएस का एग्जाम जनरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है मतलब सब एनसीईआरटी से ही आता है क्या नहीं सब एनसीईआरटी से नहीं आता 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहता है लेकिन जो बचा हुआ पेपर 40% होता है ये ले वो मतलब सिलेबस एनसीईआरटी रहता है लेकिन क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है 20% चला जाता है क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन पर और रिमेनिंग एनसीईआरटी हाँ एनसीईआरटी का एनसीईआरटी से कौन सी बुक पढ़ा एनसीईआरटी से प्लस कर एनसीईआरटी में प्लस करके कौन सी बुक और एनसीईआरटी में तो फिर आपको फिर लगानी पड़ेगी साथ में या तो जगदम्बा सिंह की बुक लगाइए साथ में पढ़ने के लिए या फिर एम के जैन लगाइए या फिर आप मतलब साइड बुक पढ़ बिना पढ़े नहीं निकल पाएगा केबीएस ये मुझे पता है आप सोचे जैसे आप आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीजीटी इसकी कसर पहले मेरी पूरी बात सुनो दोनों जी सर पहले आप मुझे सुनिए बस यही थोड़ा सा दिक्कत आप मुझे नहीं सुन पा रहे अगर आप सबसे पहले यूपी पीजीटी की कस के तैयारी कर दीजिए मैं दावा करता हूं केबीएस निकल जाएगा अगर यूपी पीजीटी की तैयारी नहीं करोगे केबीएस नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन सबसे टफ एग्जाम है अपने ऑल ओवर पीजीटी के एग्जाम में सुमित एम आई राइट पीजीटी के एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपी पीजीटी है अगर इसकी तैयारी तुम्हारी पूरी हो गई तो ये 100% श्योर है कि आप केबीएस नवोदय यूं चुटकियों में निकाल देंगे नहीं तो आपने अभी मेरे से क्लास लिया था उसमें सही बताना इतने दिनों के बाद अगर आपने एनबीएस का पेपर दिया होगा तो ये जरूर भरोसा हो गया होगा कि हमने जो डिस्कशन किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिली होगी ये तय है ये मैं जान रहा हूँ ठीक है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा इधर उधर किताबें इकट्ठी करने के चक्कर में न फंसे आप फंसिए इस बात पर कि हम अपनी जो हमने अभी तक क्वेश्चन पेपर लगाए वो मैक्सिमम लगा डालें समझ लो सिलेक्शन डिफाइंड मतलब डेफिनेट है समझ गए भैया ये चीज चलिए समझ गए भावना आप बोलिए क्या कहना चाह रहे तो मैंने पूरी बात कह ली अब कहिए जो कुछ कहना है समय कह रही थी बुक्स जो भी है ना आपको मैसेज कर दीजिएगा ठीक है ठीक ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए 65 पर आइए जी सर थर्ड नंबर सैलिसिलेंडी रिएक्शन बता पाओगी रिएक्शन बताओ सर रीमन टीमन रिएक्शन सर है ये बिल्कुल रीमन टीमन रिएक्शन है सर 64 का फर्स्ट होगा 64 का फर्स्ट होगा जी आलोक क्या हाल चाल है सर सही है सर ठंड कैसी हो रही है दिल्ली में हो ना सर जी सर ठंड सर बहुत नोएडा एक्सटेंशन सर हाँ एक ही बात है यार लगभग ठीक ही है वो सब एक ही दिल्ली मान लेता हूँ मैं उसे बाकी बैलेंस करी लोगे यही बनेगा सैलरी सिलेंडर ठीक है
कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं या नीचे जमीन पे रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है जी, बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, ये बहुत आता है, पीजीटी का फेमस क्वेश्चन है ये। क्लास प्लस कंपनी जो है, हेलो जी सर, क्लास प्लस कंपनी जो है हो सकता है अभी दो एक दिन के अंदर लोहड़ी का जो त्योहार है उस लोहड़ी के त्योहार में एक ऑफर डालने जा रही है। अगर ऑफर डालेगी तो मैं खट से आप लोगों को उसी ऑफर में ले लूंगा, समझ गए मेरी बात? नहीं आप, मैं आपको उसी ऑफर में अंदर आपको बैच में ले लूंगा, बस आप मौका गवाइएगा नहीं, आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा और उसी के थ्रू मैं बैच में आपको अंदर ले लूंगा, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं तो okay, आप लोग थोड़ा, हाँ तो उसमें आप कंटिन्यूटी डे, मतलब मैं चाहूंगा जो मिनिमम कुछ भी होगा उसको देख करके मैं आपको खट से बैच के अंदर ले लूंगा, बस आप लोग तुरंत जो है वो ऑफर जो है वो एक्चुअली में 2-4 घंटे के लिए ही होता है, तो 2-4 घंटे के लिए मैं कुछ ना कुछ जैसे ही आएगा 14 तारीख को उम्मीद है बनेगा तो मैं तुरंत आपको मैसेज करूंगा, अगर आप रखिएगा इंटरेस्ट तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मतलब मान के चलिए कि ऑफर देते हैं वो लोग कि तुरंत ही ज्वाइन करवा देते हैं, 1-2-4 घंटे के लिए निकालते हैं ऑफर जी। 67 पे ये बताइएगा, 66 वाला बताइएगा क्या आंसर आएगा सर। हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपो का फॉर्मूला आप ही में से कोई बताएगा मुझे। Na2H2O3 सर, Na2H2O3 जी, Na2H2O3 जी, ये होता है, ठीक है? बोलिए रिएक्शन बोलिए इसकी, हमें इससे मतलब नहीं क्या बनेगा, रिएक्शन बोलिए, कौन बोलेगा रिएक्शन बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सुमित याद नहीं है, भूल गए जी सर? याद नहीं सर, कंपाउंड याद है सर केवल। चलो कोई बात नहीं, रिएक्शन में दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली में यूपी बोर्ड में है और आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में है ही नहीं, तो अधिकतर टीचर्स को याद भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं AGBR लिख देता हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आज? यस सर, जी सर आ रही है सर बिल्कुल। प्रोडक्ट यहाँ पर बना दीजिएगा Na3 बना दीजिएगा, यही बनता है, देखो यार Ag ब्रैकेट में H2O3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस रहता है, थ्राइस रहता है, प्लस NaBr, चेक करिए, देखो सुमित प्रोडक्ट क्या होगा, फिर यही आएगा जी सर, यही रहेगा सर, यही रहेगा। चलिए इसके बाद आ जाइए 67 पर, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट आ रहा है नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन एन पॉजिटिव में 14, ए ऑप्शन जी सर। 68 बताइए, जल्दी कर दीजिए, 100 क्वेश्चन पार हो जाए, ध्यान रखें। मोस्ट पोलर में पता ही लग जाएगा कि भाई पार्शियल नेगेटिव इस पे ज्यादा आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव कम आएगा, हो जाएगा, ठीक है। 69 बोलिए जी, 69 बोलिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन थर्ड नंबर सर, थर्ड होगा सर, ठीक, कैसे निकाला सुमित ये बताओ बस सर। जैसे उसमें कैल्शियम का हाफ है तो सर इसमें ऑक्सीजन का हाफ हो गया सर, ऑक्सीजन का हाफ हो जाएगा, ठीक 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 ठीक। 70 बताइए, 360 थर्ड नंबर, अगर यहीं पर 70 होता मान लो तब ये भी, तब भी यही सही था, तब भी सही था जी सर। 70 इसमें 0 आएगा, सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, शायद पिछली बार भी ऐसा आया था, 2021 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था, इससे मिलता जुलता, हाँ सर आया, तो सब परफेक्ट गैस लिखा था सर, आइडियल नहीं था, परफेक्ट कुछ मुझे याद ऐसा था। 72 बताइएगा, 72 सर फर्स्ट रहेगा सर, कैसे इतना बताओ बस सर। सर जैसे इसमें पहले POH निकलेगा सर,
पीओएच वैल्यू सर, उसके बाद हम 14 से सबट्रैक्ट करके पीएच वैल्यू निकाल लेंगे। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक, ये इन्होंने यहाँ क्यों लिया माइनस 12 आएगा लगभग। हाँ ये बात, इन्होंने यहाँ पर केबी की वैल्यू जो है वो 12 रखवाई है, क्या किया है समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा समझाओ मुझे यार। ना भाई सुमित सर, ऐसे होगा क्या? इस तरह से होगा क्या, के ए इनटू के बी होता है, के डब्लू के बराबर होता है, और के वो 10^14 होता है। ठीक, तो उससे हम के ए निकाल लेंगे, जब के ए आ जाएगा हमारे पास तो उसके बाद के ए आ जाएगा, उसके ए की वैल्यू निकाल लेंगे उससे। क्वेश्चन दे रखा है एट इक्वल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इतना बताइए बस, वही तो जानना चाह रहा हूँ, तरीका जानना चाह रहा हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सुमित बताएगा, सुमित बताओ। सर दिख रही है स्क्रीन। नहीं सुमित बताओ, भावना कैसे करेंगे फिर मैं बताऊंगा। सर मुझे तो यही समझ में आ रहा है, जिसमें केबी की वैल्यू ट्रिक से वही जो है पीएच परी। नहीं ये कह रहा, विच हैज द मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम पीएच का मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो पीएच वैल्यू 10^10 में ज्यादा आनी चाहिए, यही तो मैक्सिमम पीएच है जी सर। तो इसका मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 घटा दीजिए 14 में से, है ना, यहाँ पर कितने घटा दीजिए 4 घटा दीजिए, यहाँ पर 2 घट, तो जहाँ कम घटेगा केबी का वैल्यू वही आंसर चाहिए। हाँ 12 आ जाएगा। हाँ वही सर, वही मैं कह रही हूँ। 73 बताइए, 73 बताइए। क्या होगा 73 का आंसर? इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट ये इज लोअर्ड बाई 2K किलो कैलोरी एट 27। ठीक है सर, रेट विल बी, रेट का फार्मूला बता दीजिए बस। 2 कैलोरी बताओ सर, लॉग K2/K1 इक्वल टू, रुक जाइए संजीव भाई एक मिनट रुक जाइए, लॉग लगाए या ना लगाए, डायरेक्ट लगा दूं? चलो लगा दीजिए, लगा चलो लगा लॉग K2/K1 इक्वल टू डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी EA1 माइनस EA2 या डेल्टा EA सर। हाँ डेल्टा EA, डेल्टा EA ठीक है, अपॉन 2.303 R, 2.303 R T बस सर, RT डिफरेंस नहीं लेंगे। चलिए ठीक, अगर आपने यहाँ लिया तो यहाँ डिफरेंस क्यों नहीं लिया सर? सर यहाँ पर K जो हमने लिया है पहले वाला वो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, आप बोलते रहिए, हाँ चीज समझ गया मैं। 2000 upon 2.303 into 2, क्योंकि R की वैल्यू कैलोरी में लगा, into 3 आपका 300। यस सर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यस सर। अच्छा एक चीज ये बताओ संजीव भाई, मैं अगर ऐसे निकालूं, सपोज कर लेता हूं आप ही का मेथड है लेकिन थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूंगा इसे। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ K1/K2, पहले तो मैं फार्मूला लिखूँ सिंपल वाला, ये सिंपल वाला K इज इक्वल टू होता है
ए ई अपॉन ए ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के वन लिखूंगा तो के वन इज इक्वल टू ए ई, यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट में लेता हूँ ई ए माइनस ई ए माइनस टू ले लेता हूँ, है ना, टू अपॉन नीचे ले लेता हूँ आर टी। और इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन कर लेता हूँ, इसी को थोड़ा और सॉल्व करके ले जाऊं। यहाँ पर अगर पहली वाली इक्वेशन जो दिख रही है, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, तो K1 अपॉन K इज इक्वल टू क्या रह जाएगा सर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल मात्र बचेगा E की पावर, ये कैंसिल, ये डिवाइड करके देखिए, हाँ ये सही है, E की टू डिवाइडेड बाई आर टी भी बचेगा, क्योंकि आर टी कॉमन लेना पड़ेगा, ये बचा। अब इसको हम आर टी की वैल्यू पुट कर दें संजीव भाई, तो ई ए ऊपर टू हो गया, नीचे आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर आप कैलोरी में करते तो दो रख दीजिए, अदरवाइज किलो, किलो कैलोरी में रुक जाइए, किलो कैलोरी में, यहाँ किलो में है ना, तो वो ऐसे ही रखिए, 0.002 रख लीजिए, नहीं तो ऊपर 2000 करनी पड़ेगी, एक ही बात है, वो एक ही बात आ जाएगी। नीचे 300 रख लीजिए, जो आपका मेथड है सेम वही आ गया, सेम वही, लेकिन कैलकुलेशन बच गई थोड़ी सी, कैलकुलेशन घट गई, ये वाली गिनती चली गई यहाँ से, तो ये हो गया। अब आपका कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, ये हो गया आपका, वही आ गया तीन, ये वही जो आप कह रहे हो वही आ गया, ये कटा, अब यहाँ तीन दूनी छः कितना आ गया बताएं, टोटल कितना आ रहा है, नहीं बताएंगे कितना आ रहा है टोटल, ये टू से टू के पॉइंट, ये ऊपर तीन जीरो बढ़े, दो काट दिए मैंने, तो 20 बचा ऊपर, और नीचे हो गया आपका कितना, 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 दूनी 12, 6 3 18, लगभग हाँ 330, 6 3 18 कितना आंसर आ रहा है देखिए, ज्यादा नहीं, K1, नहीं नहीं एक मिनट रुकिए, हमें K निकालना है ना, K1, एक मिनट रुकिए, हमें निकालना है K1, तो टाइम्स निकालना पड़ेगा ना, K1 इज इक्वल टू हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, कितने टाइम आएगा ये, थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही कोई, आ तो उससे भी आएगा, सेम मेथड चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये 2.3 वाला बच जाए किसी तरीके से, ये कैलकुलेशन बच जाए, ये वही चीज है बस, ये बचेगी, निकालो संजीव भाई कितना आ रहा है, लगभग 30 गुना आएगा, 30 गुना इसमें कोई है नहीं, देखो आप 30 गुना लगभग आएगा, अगर इससे निकालोगे आप 30 टाइम आएगा लगभग, और 30 टाइम का मतलब फिर मैं 28 लेके चलूं, या तो या पूरी कैलकुलेशन करो आप, फुल कैलकुलेशन करो आप, देखो चेक करके, क्यों ऐसा ही तो है, नहीं समझ में आई बात, यस सर समझ में आए, देखिए ऐसा करिए, चलिए पहले हम आप जो आपने मेथड लगाया है, मैंने सेम लगाया, मैंने केवल यहाँ पर 2.303 नहीं रखा, क्योंकि मैंने लॉग ही नहीं यूज किया, अगर लॉग के टर्म यूज करूंगा तो ये रखना ही पड़ेगा, बाकी तो वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, चेक करिए आप, ये वैल्यू यहाँ की सेम आ रही है ना, तो इसमें मुझे लगता है कि ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 6, और 6 3 18 हो गया, बच्चा 2 फिट डेसिमल लगा ले, 0.6318 एंड 3.33 समथिंग चलता रहेगा, तो ये अगर हम लोग निकालते हैं ये कैलोरी में, अगर इसको देखें तो लगभग ये गिनती यहाँ पर कोई डिस्टर्ब हो रही, वैसे 30 गुना आना चाहिए था, 30 गुने का मतलब फिर ये ऑप्शन 28 में सही हो जाता, लेकिन कोई भी छोटी सी मिस्टेक हमसे या कहीं हो रही है, आर की वैल्यू पूरी, सर यार ई की वैल्यू तो नहीं लगाएंगे, ई की वैल्यू तो कुछ लगती है सर, अगर आप कह रहे हो तो मैं ये भी काम कर लेता हूँ, अगर ये पूरी वैल्यू मैंने ऐसे कर दी तो 3 × 6 = 33 × 66 नहीं यार ऐसे नहीं आएगा, यहाँ का मिस्टेक हो रही छोटी सी, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा सर, इतना ही आएगा सर, 28 टाइम्स ही आएगा, उसकी वो एक्सपोनेंशियल पावर करनी पड़ेगी सर, तब वैल्यू आएगी ना, ये यस सर, नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं उससे सर आ रहा है 28.03, हां वही मुझसे कर, कैलकुलेशन में कहीं हो रही है मिस्टेक, यहां पर इतनी हो रही है, बताओ आलोक बताओ,
लेकिन सर ये है सर कि ये सर उसमें आएगा तो सर ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसमें कैसे निकाल पाएंगे फिर? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, निकाल सकते हैं आप इसे तो इसमें तो फिर सेम मेथड तो आप समझ ही गए ना, मेथड तो हमें यही लगाना है, मेथड दूसरा नहीं लगाना। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या फिर दोबारा कैलकुलेशन करो सर, हो जाएगा सर। चलिए कर लीजिएगा, बाकी लोग मेथड यही लगेगा, फार्मूला यही लगेगा। यहाँ पर आप K2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, एंटी लॉग में जाना पड़ेगा आपको। एक चीज और बता दूं कि लॉग लॉग के अगर आपको जैसे सपोज कर लिया आपने K2 अपॉन K1 लिया तो K2 क्या मानेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। इन द रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ई इज लोअर्ड बाय द 2k कैलोरी एंड हेंस रेट विल बी, तो शुरुआत में K1 को K मान लीजिए, K2 को ऐसा करिए इसे कर लीजिए आप के और इसे इसे K1 कर दीजिए, इसे K कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको K1 निकालने के लिए एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, निकल आएगा आसानी से। कर लेंगे जितना आएगा उसके 10 टू पावर कर देंगे सर, तो उसका एंटी लॉग, हां एंटी लॉग हो जाएगा, बस कर लीजिएगा। चलिए 74 पे आइए, 74 बताइए कौन बताएगा। 74 मिटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं यहां पर जी। चलिए बताइए 74 बताइएगा। देखो मेरे हिसाब से ऐसे चलेगा ये, मैं ये चाहता हूं मैं यहां लिखूं PCl5 रिवर्सिबल, मैं जहां गलती करूं बताना, PCl3 प्लस Cl2। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलोगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी ले रखी इन्होंने PCl5 की, 2 मोल ऑफ ईच PCl3 एंड PCl ने इतने मोल, ठीक है 0.5 मोल ली है। यहाँ इन्होंने क्लोरीन बनाया है, 2 मोल बनाया है क्लोरीन, और 2 मोल वो भी बनाया है, ठीक है हाँ ये भी 2 मोल ईच कर दी, ठीक है। अब हम रिएक्शन में मतलब जो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम इसका कितना चल रहा है, 2 लीटर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका हो गया के, क्या निकालना क्या है इसमें, के सी चार दे रखा है, PCl5 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक गैसेस फेज में लिखा, ठीक है। तो यहाँ के सी इज इक्वल टू, पहले आप इसका के सी निकालिए, के सी इज इक्वल टू 2/2 × 2/2 / 0.5/2, ये सब ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0.5/2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ जाएगा, तो 5 × 6 = 20, ये 4 आएगा, ये ऊपर वाला के सी आपका 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए, ये एक के सी आपका 4 आ गया, दूसरा के सी आपको दे रखा है, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर हमें पता है एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है, PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 / 2, मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, अगर ये ना भी निकालो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ निकाल दो 0.5 / 2, कितना आएगा आंसर, 2 से डिवाइड कर दो 0.25 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हमारी आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पूछा है, डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाहे ये निकालो ना निकालो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतनी कंसंट्रेशन पूछनी है। चलिए और कोई बताइए, और कोई अपनी इच्छा जाहिर करिए भाई, केसी की वैल्यू 4 आ रही है ना, केसी की वैल्यू 4 आ रही है, तो आप केसी की वैल्यू 4 चेक कर लिया कि ये कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखी है, अगर ये 4 आंसर सेट हो गया तो इसका मतलब फिर ये वैल्यू यही है, फिर PCl5 की कंसंट्रेशन निकाल दीजिए। हाँ अगर ये वेरी कर जाती तो गड़बड़ हो जाता, कर लेंगे ये आंसर आएगा फर्स्ट वाला। सो गए सब क्या? जी सर ठीक है सर, हो गया ना? ओके सर, हम कहें कि साइलेंट मोड में चले गए एकदम से जी। 75 वाला देखिएगा, 75 संजीव भाई 75 बताइए। संजीव जी 75 बताइए, लंबी क्वेश्चन है ये,
ये क्वेश्चन लेंदी है। करके बताऊं या करके बताएंगे आप? बोलिए। सही एनएच फोर एच एस का तो निकालेंगे नहीं, इसमें ये सॉलिड है। एक मिनट, एनएच फोर एच एस अमोनिया स्ट्रक्चर तोड़ दीजिए से, एनएच थ्री पॉजिटिव में निकाल रहे हैं संजीव भाई साहब, देखो बताएंगे भी। वो एच टू एस गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। यहाँ पर इसका वन मोल मान लेते हैं शुरुआत में, वो इनिशियल कर जीरो जीरो कर लीजिए, वन में से एक्स घटा लीजिए, इसको भी एक्स बना लीजिए, इसको भी एक्स बना लीजिए। टोटल मोल्स क्या, प्रेशर की बात चल रही है ना? हाँ प्रेशर की बात चल रही है, तो टोटल मोल गैसियस में हो जाएंगे, टोटल मोल मोल इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट हो जाएंगे आपका 2x हो जाएंगे, x और x 2x हो जाएंगे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन आप H2S निकालिए, तब मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर होगा दोनों का, दोनों का बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो है वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के, मतलब 1/2 जो आप कह रहे हो वो ठीक है, 1/2 है ना, अमोनिया के मोल के बराबर आ जाएगा, तो 1/2 ही आ गया। तो अब अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू ये जो निकाला है P/2, वो हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना दिया है, दिया है कुछ नहीं, नहीं दिया, अभी नहीं दिया है। तो इसका मतलब हुआ अब हमें निकालना पड़ेगा केपी, केपी चलिए होगा, केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इंटू आपका ये हो गया P/2, ये हो गया और P/2 दूसरा हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, P/2 इंटू P/2, तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर और बाई फोर। तो इसका मतलब यहाँ पी स्क्वायर बाई फोर रख देते हैं, तो ये हमारा के पी कितना आएगा, चेक करिए ना, ये दोनों में के पी आ जाना चाहिए हमारा, के पी तो बताइए, केपी दिया है, सॉरी केपी दिया है, कितना दिया है, 64 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा पी स्क्वायर रह गया, निकल आएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो ही गई, ये वैल्यू इसके बराबर हो ही जाती है, तो ये हमारा रह जाएगा केवल, आप वो निकालिए फिर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 4 into 64 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 into 64 = 256 हो गया, और 256 का अंडर रूट कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 16 आ रहा है, नहीं है, इक्वल का साइन लगाइए, हम गलत लग गया, क्योंकि ये वैल्यू ये हुई और ये वैल्यू ये हुई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ इक्वल का साइन लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, दोबारा समझिए, देखिए तो 16 आ जाएगा। हाँ रुक जाइए, मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ तक समझ में आया था, यहाँ तक आया था समझ में, तो लेकिन इसका टोटल जो टोटल प्रेशर है मोल है इसका तो 1+x आना चाहिए ना, इसका इसका ये सॉलिड है ओवरऑल, ये सॉलिड है ना, हाँ इसलिए हटा देते ना, 2x ही रह जाएगा ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए x H2S का जब निकालोगे वो बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के, तो अगर एक दो है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, तो ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1/2 अमोनिया हो जाएगी, और ऐसे ये भी 1/2 हो जाएगी, तो ये P/2 दोनों वैल्यूज हो गई हमारे पास में, दोनों वैल्यू P/2 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी P/2 है, ये भी P/2 है, ये दोनों P/2 है, तो Kp इज इक्वल टू कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन, वो सॉरी Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S रख दीजिए, तो ये P/2 है इनटू P/2 ये भी है, ये 64 दिया हुआ है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64 इनटू 4,
ये 256 हो गया, इसका आप पी निकाल दो तो अंडर रूट 256 का जो आंसर आएगा वही यहाँ मैच कर लीजिए आप। संजीव, संजीव भाई कुछ समझे नहीं समझे सर, कुछ बोले नहीं आप सर? हम लोग जो ऐसा मतलब जैसे हो गया तो उसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। कौन सा वाला मैडम फिर से बोलिए? जिस जो जिसका लोन जिन टाइम में कर रहे हैं वो तो याद रहता है, जिसका मतलब बहुत दिन बाद। हाँ तो टचिंग तो मैडम बहुत दिन बाद, तो अगर आप रोटी भी खाएंगे ना तो टेस्ट भी बदल जाएगा। जैसे 9 दिन व्रत रखिए, एक महीने के अंदर में भी भूल जाता है मेरा तो। तो एक महीने नहीं मैडम, 10 दिन में भूल जाएंगे है ना। 9 दिन व्रत रहिए और जब 10वें दिन रोटी खाओ तो टेस्ट बदल जाता है। टेंशन आप काहे ले रही, मतलब रोज प्रैक्टिस के समय परफेक्ट। हाँ पढ़िए, डेली पढ़िए। 76 बताइए, 76 बताइए सर। फोर्थ होगा क्या सर? Which forms the P-pi multiple bond? P-pi में नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं हो सकता, फॉस्फोरस में डी होता है। यही है बच्चा, फिर यही बच्चा नाइट्रोजन ही बच्चा के लिए। ठीक है 77 बताओ। फोर सर। हाँ सर। क्यों? रीजन बताओ, रीजन क्यों? तो सर सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं सर, H2SO4 हो गया, POCl3 हो गया, PCl5। अच्छा ठीक। हम सोल्यूशन लिस्ट में यही सारे हैं। चलो 78 बताइए। इसका तो सेकंड होगा सर, फ्लक्स होता है शायद, फ्लक्स ही होता है शायद। ठीक है ठीक है। सो फर्स्ट सर इसका 79। ठीक है। Which is radioactive isotope of hydrogen? कोई बता दे रहे हैं? Yes, fourth. Third. 1s3 third वाला. Oh. Tritium है ना? Yes. Sir, radioactive तो sir ये भी हुआ ना? कौन सा? अच्छा duty. बस isotope है, radioactive नहीं है. Tritium is the radioactive in nature है ना? ठीक है. जी 81 बताइए. बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए, बहुत लोगों का ऑन हो गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छा ऐप पर नहीं है, मैंने देखा बड़ा साइलेंट क्लास में चलती है, क्योंकि जो अकेला जैसे अगर आलोक को बात करनी तो अगर लोग ही बात करेंगे, बीच में दूसरा नहीं कर सकता है बात। ये मुझे अच्छी लगी एक्टिविटी, उसमें क्या होता है कि हौच पौच नहीं होता, जैसे माइक में कोई शोर हुआ ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। विच हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आउट ऑफ द फॉलोइंग? तो आपने बताया कि फर्स्ट इन बोथ केसेस। बोथ केसेस का मतलब क्या है? दोनों केसेस में, मतलब एमपी और बीपी के केस में पहला ही है, जिसका एमपी बीपी जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है लोगों ने बताया उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कारण ये कि स्फेरिकल शेप आती चली जाती है, ये अंडे की तरह है और ये शेप ऐसी हो गई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक लगाया है। ठीक है, विच विल फॉर्म द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 82 सर, ऑल ऑफ दीज सर। कैसे जरा बता, ज्योमेट्रिकल थोड़ा समझाओ यार, ये तो समझ में आ गया, इसे हटा दो, ये भी समझ में आ गया हटा दो, इसे बताओ कैसे समझाओ। सर ये भी ट्रांसफॉर्म में है सर। ठीक, ये भी ट्रांसफॉर्म में, अगर मैं ऐसे सिस फॉर्म बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, सिस फॉर्म बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं, इसको पलट दो। तो सर सिस फॉर्म के लिए सर, जी सर, इसको पलट दो, इसे घुमा दो ऐसे करके है ना, ये हिस्सा नीचे ले लो, ये वाला हिस्सा नीचे ले लूं या ये वाला नीचे कर दूं, दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएंगे इसके अंदर, है ना सुमित? चलो 83 बताइएगा। 83 फर्स्ट होगा।
फर्स्ट होगा सिल्वर मेथड, सिल्वर सॉल्ट यस इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात होती है ठीक यस 84 बताइए 84 और फर्दर रिडक्शन प्रोसेस में कौन सा यूज होता है इनमें से पहला तो होता ही है सभी देखें भी रिडक्शन में जा रहा है ये कार्बन इसको रिड्यूस कर नहीं पाएगा कर पाएगा ठीक है और ये भी एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सभी हो गए हाँ ठीक है सही है चलिए कुछ आलोक अच्छा लग रहा है फीलिंग अच्छी आ रही नहीं आ रही अभी जी सर काफी दिनों से हुई नहीं तो सब तो अजीब सा हो गया सब नहीं हो जाएगा चलो जी बताइए इन डाइक्रोमेट मैं पढ़ रहा हूँ डाइक्रोमेट रेडिकल Cr2O3 Cr2O7 डाइनेगेटिव एवरी क्रोमियम इज लिंक्ड टू ये एनसीईआरटी का है एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी बताइए सर फोर ऑक्सीजन एटम तो ये CrOCr बॉन्ड होगा ना ये बता रहा हूँ ठीक एक सीआर से तीन ऑक्सीजन चौथा बीच में जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है नहीं 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 वो हाँ नहीं वो नहीं है बटरफ्लाई CrO5 है ये CrO5 नहीं है चलिए अब देखिए दिखा यस सर नहीं दिखा जी सर ये देखो एक दो एक ब्रिज पे हो गया ठीक है इसके बाद ये आइए 86 Which of the following is paramagnetic? पता होगा ये तो ये वाला हो जाएगा देखिए यहाँ एक रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ अगर FeCN का होल सिक्स फोर नेगेटिव होता तो ये डाया हो जाता तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता समझ ये डाया हो जाएगा ये वाला इनमें भी पेयरिंग हो जाती डाया हो गया ये भी डाया हो गया यही बचेगा केवल ये बताइए 87 द कलर ऑफ द टाइटेनियम इज पर्पल ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी कोई आया था मुझे याद है ऐसे ही कोई था एक क्वेश्चन द इमिशन ऑफ द वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो आइसोटोप बनाता है जी सर ठीक है 89 पे आइए व्हेन एन आयन ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टीशियल पोजीशन फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे इतनी लाइन पढ़ो आगे पढ़ो ही मत 90 पे आइए विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं ऐसा नहीं है है अच्छा ठीक है अच्छा हाँ हाँ ठीक गुस्सा का है और वन अपॉन एटॉमिक रेडियस ठीक है सही है ये उल्टा नहीं होता ये गलत हो गया ये एनर्जी ठीक है लेकिन यहाँ पर गलत हो गया ये यहाँ से यहाँ यहीं से गलत हो गया शुरुआती से गलत हो गया चलो ठीक 91 बताइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द इनेंसियोमर्स आर पॉसिबल इन द क्लोरो क्लोरो हाँ पायराडीन क्यों है पायराडीन सॉरी क्लोरोपायराडीन बोलिए 91 बोलिए कोई लोग जल्दी से इसका आंसर तो हमें भी डाउट लग रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ द इनेंसियोमर्स आर पॉसिबल इन क्लोरोपिप्राइडीन बनाना पड़ेगा सिक्स मेंबर नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना पिप्राइडीन सर एक एसिमेट्रिक होगा तो दो होना चाहिए दो होना चाहिए यही होता है पिप्राइडीन जी सर तो यहाँ पर क्या कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ द इनेंसियोमर्स आर पॉसिबल इन क्लोरोपिप्राइड तो ये तो दो सेम ही हो गए तो सही ठीक है दो से ज्यादा बनी नहीं पाएंगे पॉसिबिलिटी तो मुझे दो ही की अब आप चेक कर लेना इससे थोड़ा डाउट है ठीक है इसे एक बार बुक से भी चेक करिएगा
हाउ मेनी पैराफिन, हाँ क्लोरोपिपराइडीन है ना, इसमें यहाँ सीएल लगेगा जहां तक मुझे अनुमान है, ये लगेगा यहाँ पर, देख लीजिए एक बार करिएगा, मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन पर। कौन करेगा इसे, ग्रुप में डालिएगा करके, इसे इस क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। इन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगी, एल्कोहलिक है, ये भी जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। व्हेन ग्रेनाडाइन रिएक्ट विद द कीटोन, कीटोन से तो 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन है, बाकी मैं ये वाली पीडीएफ अभी आपको भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर, ओके बाय, बाकी बात करेंगे आपसे, हाँ बाकी बात करेंगे आपसे। सर कल क्लास होगी फिर? नहीं कल नहीं होगी, मैं आपसे जब होगी तो मैसेज करूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई।